हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। स्वागत करता हूँ आपका और एक नए ब्लॉग में। कबड्डी रिलेटेड कुछ न्यूज़ है मेरे पास, तो आपसे वो शेयर करना चाहता हूँ। आपको सबको पता है प्रो कबड्डी सीज़न नाइन 7 अक्टूबर से चालू होने वाला है बैंगलोर में। ओनली 3 जगहों पे होने वाला है, बैंगलोर, उसके बाद दूसरा लीग है पुणे और थर्ड है हैदराबाद। तो जितने भी फ्रेंचाइजीज है, 12 फ्रेंचाइज, बहुत से फ्रेंचाइज नए प्लेयर ऐड किए हुए हैं अपनी टीम में। वो आपको बताता हूँ किसको किसने ऐड किया है। आपको सब बताता हूँ, यू मुंबई है, बहुत सारे टीम्स है जिसने अलग अलग प्लेयर्स ऐड किए। प्रो कबड्डी से पहले ज़बरदस्त कबड्डी के मैचेस देखने मिलेंगे। 36 नेशनल गेम्स होने वाले हैं गुजरात में, वहाँ पे बहुत सारे प्रो कबड्डी स्टार खेलेंगे, तो वहाँ पे पता चलेगा कौन कैसे फॉर्म में है। उसके पहले उसके वीडियोज़ में डाल दूंगा, उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कौन से फ्रेंचाइजी ने किसको ऐड किया है, कौन सा नया एडिशन किया है अपने फ्रेंचाइजी में, कौन से प्लेयर को लिया हुआ है। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल पे नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए नए वीडियो आपको मिलेंगे, मेरे नए नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, चलो चलते देखते किसने किसको ऐड किया है, कौन से प्लेयर को, जो एक्सपीरियंस प्लेयर है उनको लिया है अपने फ्रेंचाइजी में। तो फ्रेंड्स, चलो चलते स्टार्ट करते हैं। जो एक्सपीरियंस डिफेंडर है विशाल माने, उनको यू मुंबई ने अपने स्क्वाड में लिया हुआ है। विशाल माने पहले यू मुंबई से खेले हुए थे, लास्ट सीज़न वो बेंगल वॉरियर से खेले थे, इनको ज़्यादा चांस मिला नहीं था। इस बार यू मुंबई ने उनको अपने स्क्वाड में लिया हुआ है। तो विशाल माने बहुत ही एक्सपीरियंस और बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है। देख, उन्होंने यू मुंबई फैन के लिए देखिए क्या मैसेज दिया है, आपको दिखाता हूँ, देखिए। फैंस क्लब ला मी एकच सांगेन की मी येतो आहे, तुम्ही असं सपोर्ट करत राहा, पुन्हा जोरात यू मुंबई असणारच। अगले है संदीप नारवाल। संदीप नारवाल अनसोल्ड हुए थे प्रो कबड्डी ऑक्शन में, तो गुजरात जायंट्स ने उनको अपनी टीम में ले लिया। संदीप नारवाल को सब जानते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ऑलराउंडर है, कॉर्नर लगाते, कवर लगाते और बहुत ही अच्छे रेडर भी है। तो गुजरात जायंट ने उनको अपनी टीम में लिया, देखते हैं गुजरात जायंट्स के लिए कितना और कैसा परफॉर्मेंस करते हैं वो। नेक्स्ट है रोहित कुमार। रोहित कुमार बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है, बहुत ही ज़बरदस्त रेडर है, सर्विसेज के लिए खेलते हैं। लास्ट ईयर वो तेलुगु टाइटन में थे, लेकिन उतना उनको चांस मिला नहीं, इंजरी की वजह से ज़्यादा मैचेस खेल नहीं पाए वो। इस बार गुजरात जायंट ने उनको अपने स्क्वाड में लिया, तो देखते हैं गुजरात जायंट्स के लिए कैसा परफॉर्म करते हो और गुजरात जायंट्स के भरोसे पर खड़े उतरते कि नहीं। नेक्स्ट है विराज लांडगे। विराज लांडगे बहुत ही एक्सपीरियंस और बहुत ही ज़बरदस्त लेफ्ट कवर है, महाराष्ट्र पुणे से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र के लिए बहुत साल खेले हैं, बहुत से फ्रेंचाइजी के लिए खेले हो, बंगाल वॉरियर हो गया, दबंग दिल्ली हो गया, बहुत ही फ्रेंचाइजी के लिए खेले, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है उनके पास। तो यू मुंबई ने उनको अपने स्क्वाड में लिया हुआ, तो देखते हैं यू मुंबई के लिए वो क्या कर सकते हैं और कैसा परफॉर्म करते हैं। अगर उनको चांस मिला तो यू मुंबई के लिए भरोसे पर खड़े उतरते कि नहीं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अगले है विकास काले। विकास काले पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त राइट कवर है, पुणे इनकम टैक्स के लिए खेलते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त राइट कवर है, महाराष्ट्र के लिए बहुत साल वो खेले, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है उनके पास, हरियाणा स्टेलर के लिए खेले हुए, पटना पायरेट्स के लिए भी खेले हुए। तो इस बार गुजरात जायंट ने उनको अपने स्क्वाड में लिया हुआ, तो देखते हैं गुजरात जायंट्स के लिए वो क्या कर सकते, कैसा परफॉर्म कर सकते, कितना अच्छा राइट कवर लगाते, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। नेक्स्ट है रन सिंह। रन सिंह बहुत ही एक्सपीरियंस और बहुत ही ज़बरदस्त ऑलराउंडर है, बहुत फ्रेंचाइजी के लिए उन्हें खेला हुआ है, बंगाल वॉरियर हो गया, जयपुर पिंक पैंथर हो गया, उनके लिए उन्होंने खेला हुआ है। इस बार वो प्रो कबड्डी ऑक्शन में अनसोल्ड हुए थे, लेकिन उनको बेंगलुरु बुल्स ने उनके स्क्वाड में लिया हुआ है, तो देखते हैं बेंगलुरु बुल्स के लिए वो क्या कर सकते हैं, कैसा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि उनमें काबिलियत तो बहुत ज़बरदस्त है, स्किल्स बहुत ज़बरदस्त है, फॉर्म कैसा है उनका, क्योंकि लास्ट ईयर बंगाल वॉरियर के लिए उनका फॉर्म बहुत अच्छा था, तो देखते कैसा परफॉर्मेंस करते हो बेंगलुरु बुल्स के लिए। अगली न्यूज़ है नीरज कुमार तनवर, जो पटना पायरेट्स में है, तो इस बार पटना पायरेट्स ने उनको अपना कैप्टन बनाया, बहुत ही अच्छे राइट कवर है, सर्विसेज के लिए खेलते और लगातार 2-3 साल से पटना पायरेट्स में ही, बहुत ही अच्छा राइट कवर लगाते, अच्छा परफॉर्मेंस करते, तो इस बार भी देखना दिलचस्प होगा कैप्टनशिप मिलने के बाद उनके परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क पड़ता है और कैसा परफॉर्म करते हैं वो पटना पायरेट्स के लिए। अगले है रविंदर पहल। रविंदर पहल को तेलुगु टाइटन ने अपना कैप्टन बनाया। रविंदर पहल बहुत ही ज़बरदस्त राइट कॉर्नर है, मेरे पर्सनल फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे वो टैकल लगाते हैं ना, बहुत ही पावरफुल है। तो देखते हैं अभी इस बार कैप्टनशिप मिलने के बाद उनके परफॉर्मेंस में कैसा फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं कि नहीं, कि कैप्टनशिप कैसा निभाते, देखना बहुत दिलचस्प होगा। नेक्स्ट है प्रशांत कुमार राय। बहुत ही एक्सपीरियंस रेडर है, लेकिन प्रो कबड्डी ऑक्शन में अनसोल्ड हुए थे, लेकिन
गुजरात जायंट्स ने उनको अपने स्क्वाड में ले लिया है। बहुत ही एक्सपीरियंस रेडर है, बहुत ही एक्सपीरियंस है उनके पास, तो देखते हैं गुजरात जायंट्स के लिए वो कैसा परफॉर्म करते हैं। गुजरात जायंट्स में उनको स्टार्टिंग सेवन में खेलने का मौका मिला तो अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं कि नहीं, उनका फॉर्म कैसे होता है, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। नेक्स्ट है राजेश नारवाल। राजेश नारवाल प्रो कबड्डी ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे। बहुत ही ज़बरदस्त ऑलराउंडर है, बहुत ही अच्छा राइट कवर लगाते प्लस बहुत अच्छे रेडर है। 69 सीनियर नेशनल में हरियाणा के कैप्टन थे वो, तो अभी बेंगलुरु बुल्स ने उनको अपनी टीम में ले लिया है। बहुत ही उपयुक्त कबड्डी प्लेयर है, रेडर प्लस राइट टर्न बहुत ही ज़बरदस्त है, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हो। तो देखते हैं बंगलोर बुल्स ने उनको अपनी टीम में लिया, उन पर फेथ रखा है, तो देखते हो फेथ पे कैसे खड़े उतरते हैं और कैसा परफॉर्मेंस करते हैं बेंगलुरु बुल्स के लिए, देखना बहुत दिलचस्प होगा। 69 सीनियर नेशनल में राजेश नारवाल ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया था, बहुत ही अच्छे रेट्स मारे थे हरियाणा के लिए। तो देखते हैं फ्रेंड्स कैसा परफॉर्म करते हैं बेंगलुरु बुल्स के लिए राजेश नारवाल। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।